वेल, जैसा कि आपने स्टार्टल में पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो में हम राधेश्याम मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये मूवी यानी राधेश्याम मूवी 11 मार्च को रिलीज़ हुई है, और इसकी टाइमलाइन की बात करें तो लगभग 2.25 घंटे की मूवी है ये। और रियली मैं बताऊँ तो इस मूवी को मैं इसलिए देखने गया था क्योंकि प्रभास मेरा फेवरेट एक्टर है, जिसकी कोई भी मूवी मैं मिस नहीं करता। और हो सकता है आप में से कई लोगों के भी फेवरेट एक्टर हों। तो ये तो हो गई फेवरेट की बात। और बात करूँ मूवी की, ये भी एक लव स्टोरी बेस्ड मूवी है। इसमें भी बाकी लव स्टोरी मूवियों की तरह सेम स्टोरी है, बस इसमें एक डिफरेंट टॉपिक ऐड करा गया है जो कि पाल्मिस्ट यानी ज्योतिष है। यानी इसमें जो प्रभास रहते हैं वो एक पाल्मिस्ट यानी ज्योतिषी रहते हैं, जिनका नाम विक्रमादित्य होता है, और वो इस मूवी में फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, जो कि 99% केसों में सही होता है। और मैंने 100% क्यों नहीं कहा वो आपको इस मूवी को देखने के बाद पता चल जाएगा। तो ये तो हो गई इस मूवी में एक्टर की बात। इस मूवी में एक्ट्रेस की बात करें तो वो हैं पूजा हेगड़े, जो कि इस मूवी में एक डॉक्टर हैं। तो इस मूवी में इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई गई है। तो वैसे तो ये मूवी है इन दोनों की लव स्टोरी की, पर सरप्राइजिंग बात यह है कि इस मूवी में जो विक्रमादित्य रहते हैं यानी प्रभास, उनके हाथ में लव लाइन है ही नहीं, पर फिर भी उन्हें इस मूवी में लव हो जाता है। वो कैसे, वो तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। और इसके ट्रेलर में एक सिप का सीन भी था, जिसे देख कर लग रहा था कि ये मूवी शायद टाइटैनिक मूवी की कॉपी हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो एक डिफरेंट सीन है जो कि क्लाइमैक्स सीन है इस मूवी का, और वो टाइटैनिक मूवी से बिल्कुल मैच नहीं करता, डिफरेंट सीन है वो। इस मूवी में इंटरेस्ट की बात करूँ तो स्टार्टिंग में ऐसी सीन ऐड करे गए जिससे आपको इसे देखने में इंटरेस्ट आए। बस आपको इस मूवी में एक ही चीज़ पसंद नहीं आएगी, वो है प्रभास के डायलॉग, यानी जो प्रभास की डबिंग करी गई है। पर इसमें प्रभास ने सारे डायलॉग तो खुद ही बोले हैं, पर वो डायलॉग इस मूवी में ऐसे लगते हैं जैसे कि प्रभास ने सोच सोच कर बोल रहे हों। पर एज अ फैन देखूँ तो ये मूवी मुझे बढ़िया लगी। तो इसमें इंटीमेट सीन की बात करूँ तो एक 5 to 10 सेकेंड का है, पर एक पूरा इंटीमेट सीन नहीं है वो, तो आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो गाइस इस मूवी के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जाओ देखो, एंजॉय करो और आ जाओ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं इस मूवी के बारे में। और मेरी रेटिंग की बात करें तो मैं इसे 3 out of 5 देना चाहूँगा। और हाँ, अगर आप प्रभास के फैन हो और ऐसी मूवी के देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को मिस ना करना। तो आई होप आपको रिव्यू पसंद आया हो। और अगर आपको किसी और मूवी या फिर किसी और वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।